कालिंदी कल जितनी बड़ी साजिश चलकर केतकी को उस कमरे तक पहुंचाई है, केतकी कालिंदी के बारे में इतनी बड़ी अंदाजा नहीं की थी, क्योंकि एक तरफ अपने चाल से कालिंदी केतकी को मैसेज के जरिए वो घर से बाहर तो भेज चुकी है, हालांकि कालिंदी यहां पर आकाश को भी मैसेज भेजकर निशाना बनाई होगी, जिसमें कालिंदी उन दोनों को एक जगह पर मिलाना चाहती है। और इधर अब वो कालिंदी वरदान को बता चुकी है कि घर में इतनी बड़ी तमाशा हो रही है, लेकिन फिर भी वो आकाश से मिलने चली गई, जिसमें आकाश ने उसे पीली साड़ी पहनकर बोला है आने के लिए। और वहीं पर अब कालिंदी वरदान के केतकी के खिलाफ आकाश के लिए इतना गलत फहमी पैदा कर दिया है कि वरदान आज गुस्से में अपने घर से गाड़ी लेकर केतकी के तलाश करते हुए उस रूम तक पहुंच जाएंगे, जहां पर अभी केतकी बारिश से छुपने के लिए उस पुराने से घर के अंदर गई होगी, लेकिन कालिंदी का ये प्लान उसी के ऊपर भारी पड़ रहा है। मगर भले वरदान वहां पर जाकर गुस्से में केतकी को बुरा भाला तो बोलने लगेंगे और उसके यार को ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहां पर आकाश कालिंदी के बताए अनुसार नहीं पहुंचा होगा। और वही अब केतकी और वरदान उन जगह पर एक दूसरे के पास तो आ जाएंगे, जिसे देखकर कालिंदी वहां पर वरदान पर बहुत गुस्सा हो जाएगी। लेकिन आगे के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए अनोखा बंधन दंगल टीवी पर।